Assalamu alaikum, welcome back to my another video. I hope you all are doing well. So aaj ki jo recipe hai wo hai chicken cutlets, jinko hum shami kabab bhi kehte hain, aur chicken ke sath isme chane ki dal add hoti hai. To ye jo recipe hai ye meri mama ki hai, aur mama is tarah se banati thi to maine socha ki yaar ye to bahut easy recipe hai, kyun na aapke sath share ki jaye, to jinko nahi banana aata unki bhi help ho jayegi aur meri pyari si mama ki recipe mere paas bhi save ho jayegi. To chicken cutlets banane ke liye maine 1/2 kg chicken liya hai, aap chahe to chest piece bhi le sakte hain. Aur chicken ko achhi tarah se pehle wash kar le aur uske baad हमने इसको यूज़ करना है. तो 1/2 kg चिकन है और उसके बाद मैंने चना दाल ली है 200 ग्राम. इसको मैंने अभी वॉश नहीं किया, लेकिन मैं इसको वॉश करके उसके बाद ही यूज़ करूँगी. अच्छी तरह इसको वॉश करना है और उसके बाद इसको यूज़ करना है. हाँ जी, तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमने इनको जो भी चीज़ें मैं अभी आपको बता रही हूँ उनको बॉयल करना है सबसे पहले, इसको चिकन को भी और दाल को भी. और जो बॉयल करने के टाइम पे हम इसमें चीज़ें डालेंगे वो सारे मसाले ये हैं, आप ये भी नोट कर लें वन बाय वन. तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता रही हूँ, टर्मरिक 1/2 टीस्पून जाएगा, उसके बाद साबुत ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून, और रेड चिली पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, और नमक जाएगा आप अपने हिसाब से रखें, और 15 ब्लैक पेपर लिए हैं यानी कि काली मिर्चें लिए हैं मैंने, और गोल साबुत मिर्चें जो होती हैं वो मैंने 15 ले ली हैं, और जो लहसुन है वो पूरी गट्टी डालूंगी मैं इसमें. तो इन सारी चीज़ों को डाल के हमने बॉयल करना है, ठीक है. और बॉयल करने के लिए हमने एक पतीला ले लेना है, उसमें आप इन चीज़ों के हिसाब से जितना आप बना रहे हैं उतना पानी ले लें और आहिस्ता आहिस्ता उसमें अपनी सारी चीज़ें ऐड कर लें. तो देखिए मैं चिकन ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैं दाल वगैरह सारी चीज़ें ऐड करूँगी. देखिए हमने जो है ये सारी चीज़ें डाल के हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है और इसको हमने ढक के पकाना है. और जो चिकन है वो जल्दी टेंडर हो जाती है, तो उसको हमने तकरीबन 1/2 घंटा पकाना है, ठीक है. उसके बाद हमें चिकन अलग कर देनी है और दाल को तब तक पकते छोड़ देना है जब तक पानी सूख नहीं जाता है. तो देखें यहाँ पे मैंने चिकन अलग कर ली थी पहले से ही, जब चिकन टेंडर हो गई थी 30 मिनट बाद, और उसके बाद मैंने पानी सुखा लिया था जो बचा था, और दाल भी उसी में ही नरम हो गई, क्योंकि दाल थोड़ी देर से मतलब नरम होती है, तो इस वजह से दाल को मैंने पानी में छोड़ दिया था और पानी ड्राई कर लिया था और चिकन को मैंने अलग कर लिया था. तो ये चिकन है अलग से और ये दाल है. तो देखें इन दोनों चीज़ों को, दाल और चिकन को अलग अलग पीसना है, ठीक है. तो जो इसमें दाल में चीज़ें होंगी साबुत जो चीज़ें हमने डाली थी वो भी हमारी पिस जाएंगी पीसने से, और हमें वैसा टेक्सचर मिल जाएगा जैसा हमें चाहिए कबाब बनाने के लिए. और जो चिकन है उसको पहले मैंने हाथ से इस तरह से तोड़ा है, पूरा अलग अलग किया है, आपने भी इसी तरह से करना है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, रेशेदार कबाब बनते हैं. और उसके बाद आपने चिकन को पीस लेना है, ठीक है, पहले हाथ से अलग करना है और उसके बाद पीसना है. तो देखिए यहाँ पे मैंने चिकन को भी पीसा है, पहले हाथ से तोड़ा है उसके बाद जो है मैंने इसको पीसा है, और देखें कितनी अच्छा सा मतलब लुक आ रहा है जब ये मिक्स होंगी सारी चीज़ें, तो इसका टेक्स्चर बड़ा अच्छा आएगा. तो भाई ये बॉइलिंग के बाद ये दूसरा स्टेप है जो हम मतलब लास्ट स्टेप कह सकते हैं आप इसको, कि ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमारे कबाब तैयार होंगे. तो ये दाल है जो मैंने पीस ली है, तो इसमें चिकन ऐड होगी तो इसका टेक्सचर थोड़ा थिक हो जाएगा जिससे कबाब सही बनेंगे, तो इसीलिए अलग अलग पीसने से ये फ़ायदा है. तो ये मसाले आप नोट कर लें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने, और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, ये इसमें ऐड होंगी सारी चीज़ें ऊपर से, और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, मिंट लीव्स लिए हैं, आप चाहे तो फ्रेश मिंट लीव्स ले सकते हैं, मैंने ड्राई लिए हैं. और प्याज मैंने यहाँ पे ऑमलेट कट ली है, और ग्रीन चिलीज ली हैं 5, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है. ये सारी चीज़ें इसके ऊपर जाएंगी.
अगर आपको साबुत इस तरह से प्याज नहीं पसंद तो आप जो है बॉयलिंग के टाइम पे प्याज डाल सकते हैं, तो फिर वो मिक्स हो जाएगी पीसने के टाइम पे। लेकिन मैं इस तरह से प्रेफर करती हूँ, मज़ा आता है खाने में। तो देखें सारी चीज़ें ऐड करें और मिक्स करें इसको, तो देखें कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आता है और कबाब भी बहुत अच्छे बनेंगे। और आप चाहें तो इसमें आप लेमन या फिर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिस तरह से मैंने मिक्स किया है, हर चीज़ मिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और अब मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, जिनको कबाब हाथ से नहीं बनाने आते तो वो ये ट्रिक यूज़ करें। जैसे घरों में डब्बे तो होते ही हैं, जैसे जिसमें हम चीनी वगैरह रखते हैं, तो वो आप ढक्कन ले लें, ठीक है। और उसके बाद आप कोई शॉपर ले लें साफ़ सुथरी, और उसको उस ढक्कन के ऊपर रखें कबाब का शेप बनाने के लिए, क्योंकि कोई कोई जो बिगनर्स होते हैं उनको कबाब का शेप हाथ से बनाना बहुत मुश्किल फील होता है। इवन के मुझे भी कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है, तो ये बहुत टाइम सेविंग काम है। और मेरा तो इस वीडियो में सबसे मतलब मज़े का पार्ट ही ये था कि मैं आपको ये बताऊं। तो इस तरह से आपने शीट रखनी है ढक्कन के ऊपर, उसके बाद कबाब का मसाला रख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने शेप देना है और उसको खींचना है शीट को, ठीक है। आपका कबाब पूरी मतलब शेप में तैयार हो के आपको मिलेगा और आपका टाइम भी बचेगा। और कोई कह नहीं सकता कि आपने किससे बनाया है, मतलब कोई गेस ही नहीं कर सकता ना। तो आप इस तरह से बनाएं जो बिगनर्स हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, इस तरह ज़रूर बनाइएगा। और चाहें तो आप हाथ से भी बना सकते हैं अगर आप बड़े एक्सपर्ट हैं मेरी मम्मा की तरह तो। लेकिन ये सारे जो कबाब हैं मैंने इसी ढक्कन से बनाए और बहुत जल्दी बन गए थे। तो ये सारे कबाब बने उस मसाले में से जो हमने बनाया था मिक्सचर। तो अब जो है हम इनको तलते हैं, ठीक है। तलने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है एक अंडा। कोटिंग करने के लिए अंडे में आप जो है नमक ऐड करके उसके बाद आपने कोटिंग करनी है कबाबों की, उसके बाद आपने तलना है। आप चाहें तो अंडे में लेमन भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें लेमन ऐड किया था अंडे में, मैं यहाँ पे दिखाना भूल गई। तो अब है फ्राई करने का टाइम। तो मैंने पैन पे ऑयल डाला है और ऑयल को गरम कर लिया है, और उसके बाद मैं अंडे की कोटिंग करके कबाब को तल रही हूँ कबाब, ठीक है। आपने छेड़खानी नहीं करनी कबाबों के साथ, एक साइड को पहले पकने देना है। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपका तवा जो है फुल मतलब गरम हो, ठीक है। गरम होगा तो आपका जो कबाब का एक साइड है वो एक मिनट के अंदर अंदर ब्राउन हो जाएगा, और उसके बाद आपने इसको पलटना है, ठीक है। देखें ब्राउन कलर आ गया, और इसी तरह आपने सारे कबाब तल लेने जिस तरह मैं तल रही हूँ। एंड यस, सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करना भूलिएगा। तो देखें बातें करते करते कबाब रेडी हो चुके हैं, और देख बहुत मज़ेदार कबाब लग रहे हैं दिखने में। तो इसी तरह आप भी अपनी अम्मियों की रेसिपियाँ ट्राई करते रहा करें, जिस तरह मैं करती हूँ और आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। मेरा दिल तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन अगली वीडियो में मिलूँगी आपके साथ। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।